Hi everyone and welcome back to my channel Priyadarshini Talks. Priyadarshini Talks में मैं प्रियंका प्रियदर्शनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. Hope you are fine, full of health and happiness. So आज मैं आपके लिए आजियो के हैंड बैग्स का हॉल वीडियो लेकर आई हूँ. बहुत ही प्यारे हैंड बैग्स जिसमें इंक्लूड किए हैं मैंने और बहुत अच्छे कलर्स के और साथ ही साथ मैंने ब्रांड का और क्वालिटी पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है. तो बने रहें इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ और चलिए शुरू करते हैं वीडियो. बट वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर और जो लोग मेरे वीडियो को अभी देख रहे हैं बट उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल बाय क्लिकिंग द रेड कलर सब्सक्राइब आइकन राइट हियर बिलो द वीडियो. और उसके साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि बेल आइकन में ऑल के कैटेगरी को आप जब प्रेस करते हैं तभी मेरे वीडियोस के आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आप तक झट से पहुंच पाएंगे और आप सारे वीडियोस को बहुत जल्दी देख पाएंगे. और साथ ही साथ मुझे फॉलो करें मेरे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम एंड इवन वर्डप्रेस पर. सारों के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, लिंक को क्लिक करें और मुझे फॉलो करें. और साथ ही साथ इन बैग्स का जो कि इस हॉल वीडियो में प्रेजेंट है आज के आजियो के इन प्यारे प्यारे खूबसूरत से बैग्स के भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो आप वहां पर ज़रूर जाके देखें. अगर आपको पसंद आए तो वहां से आप बैग को बाय कर सकते हैं. चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपने हॉल वीडियो को. तो सबसे पहला मैं रैंडम पैकेट एक उठा लेती हूँ. बस मैंने आउटर पैकेजिंग को खोला है, अंदर मैंने देखा नहीं है कि कौन सा बैग इस पैकेट में है. तो चलिए खोल के देख लेते हैं कौन सा बैग है इस पैकेट में. ओके, ये जो बैग है ये ग्रीन कलर का वुमन मार्क्स का ग्रीन कलर का एक हैंड बैग कम स्लिंग बैग मैंने जो ऑर्डर किया था तो वो इस पैकेट में है. तो चलिए इस पैकेट को अनरैप करते हैं और देखते हैं कि बैग एक्चुअली है कैसा. तो इस बैग को मैंने पैकेट से बाहर निकाल दिया है और ये कुछ ऐसा बैग है जो मैंने ऑर्डर किया है फ्रॉम द ब्रांड वुमन मार्क्स. वुमन मार्क्स की एम्बॉसिंग आप बैग के यहाँ पर देख पाएंगे जो कि गोल्डन कलर में है. एंड बैक साइड ऑफ बैग की मैं बात करूँ तो बैक साइड आपको एक जिपर्ड कंपार्टमेंट मिल जाती है. वुमन मार्क्स के सेम इसी कलर का हैंड बैग का मैंने शोल्डर कम हैंड बैग कम स्लिंग बैग का मैंने रिव्यू किया विच वॉज फ्रॉम मिंत्रा. तो उस वीडियो का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ पर भी आप जाकर ऐसे कलर के बड़े साइज़ के इट वॉज बिगर देन दिस साइज तो इस साइज़ से बड़े साइज़ का सेम यही कलर का वुमन मार्क्स का हैंड बैग आप वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हैं. तो बैक साइड की जब मैं बात कर रही थी तो यहाँ पर आपको ह्यूज एक गहरा सा पॉकेट मिलता है, कंपार्टमेंट मिल जाती है जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है. फ्रंट साइड में आप इसकी डिटेलिंग देख सकते हैं, ये कुछ ऐसी डिटेलिंग वाली छोटे छोटे ऐसी ही डिटेलिंग बैग्स को बहुत ज़्यादा क्यूट लुकिंग बनाते हैं. तो यहाँ पर कुछ ऐसी डिटेलिंग दी हुई है. अपर साइड में आपको ऐसा हैंडल दिया हुआ है जिससे कि आप बैग को न्यू भी कैरी कर सकते हैं. अगर आपको स्लिंग के साथ इसको नहीं कैरी करना है, इसके स्ट्रैप को जो कि यहाँ पर अटैच आप कर सकते हैं, अंदर ज़रूर स्ट्रैप होगा, तो उसके साथ अगर नहीं कैरी करना है तो आप न्यू भी बैग को कैरी कर सकते हैं. तो चलिए खोलते हैं इस बैग को. बैग के ओपनिंग एंड क्लोजर के लिए आपको यहाँ पर मैग्नेटिक बटन दिया हुआ है. एंड अंदर की साइड जब हम बैग के देखें तो वन सिंगल जिपर्ड कंपार्टमेंट आपको मिल जाता है. तो जब जिप की मैं बात करूँ तो जिप इज़ अ वेरी नाइस क्वालिटी जिप एंड इन द कलर गोल्डन, जिसमें कि जिप में भी आपको वुमन मार्क्स की एम्बॉसिंग यहाँ पर मिल रही है. और अंदर के साइड जैसा कि मैंने कहा आपको इस बैग की स्लिंग मिल जाती है जो कि एडजस्टेबल है. आप इसको अपने हाइट के अनुसार अपने शोल्डर के अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हैं. एंड दोनों साइड्स आपको ये हुक मिल जाता है जिसको कि आप बैग के साइड्स में अटैच करके इसको एज अ स्लिंग बैग भी यूज़ कर सकते हैं. अब जब बैग को हम अंदर की तरफ देखते हैं तो आपको इतना गहरा ये कंपार्टमेंट मिल रहा है. आप देख रहे हैं इट इज़ सो ह्यूज एंड डीप कंपार्टमेंट यू गेट हियर. अंदर के फैब्रिक की बात करूँ तो ये सिंथेटिक फैब्रिक है जिसमें अगेन वुमन मार्क्स की हर जगह ब्रांडिंग आपको मिल रही है. एंड इनर साइड में आपको ये ह्यूज एक पॉकेट मिल जाता है जिसमें आप अपना मोबाइल फ़ोन या चार्जर रख सकते हैं. और यही नहीं, आपको ये सीक्रेट पॉकेट भी जिपर्ड जो कि होने वाला है वो भी अंदर आपको यहाँ मिल जा रहा है जो आप देख रहे हैं. तो इसमें आप अपने वैल्यूएबल्स रख सकते हैं जैसे कि कैश, कोई भी एटीएम कार्ड,
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं। एंड अंदर के साइड आपको बहुत ज़्यादा इसमें स्पेस मिल रही है जिसमें कि आप अपने बहुत सारी चीज़ें कैरी कर सकते हैं। तो ये हो गई इस बैग की बात। इस बैग को जैसा कि मैंने कहा ह्यूज कंपार्टमेंट है इसके अंदर, ये बाहर से बहुत कॉम्पैक्ट बैग दिख रहा है बट अंदर के साइड ये इक्वली स्पेशियस बैग है। तो इसमें आप अपने सारे एसेंशियल चीज़ें स्टोर कर सकेंगी और अच्छे से कहीं भी इसको कैरी कर सकेंगी या किसी भी पार्टी फंक्शन में इसको आराम से ले जा सकती हैं। बहुत ही क्लासी, बहुत ही ट्रेंडी लुकिंग बैग है एंड एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी स्टर्डी बैग। तो बहुत मजबूत ये बैग होने वाला है। ज़रूरत है आपको इसकी ख्याल रखने की। मैंने हैंड बैग्स के केयर पर भी एक वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बस मैं समराइज करके अगर बोलूँ तो कहीं से आप बाहर आए और आपको फील हो कि हैंड बैग पर डस्ट है तो उसको वाइप करना ना भूलें, डैम्प प्लेस में ना रखें, अच्छे से फिलिंग करके रखें और ये सालों तक आपके साथ यूँ ही बरकरार रहने वाला है। जब बॉटम की बात करें हम इस हैंड बैग की, तो आपको 4 लेयर्स गोल्डन कलर के मिल जाते हैं जो कि इसको स्ट्रक्चर्ड हैंड बैग बनाता है जो कि आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं और ये कुछ भी ऐसे ऐसे गिरने वाला नहीं है। सो दिस वॉज द फर्स्ट बैग आई हैड बॉट फॉर माई सेल्फ। नाउ लेट्स ओपन द सेकेंड पार्सल। तो सेकेंड पार्सल में कुछ ज़्यादा बड़ा बैग है जो कि मैंने मंगाया है और इसको आप खोलते हैं और देखते हैं कि ये बैग कैसा है। सो मैंने सेकेंड बैग को भी खोल लिया है और वो कुछ पिंक कलर में है। दिस इज़ बेसिकली अ डस्टी पिंक कलर टाइप। तो डस्टी पिंक कलर का ये बैग है फ्रॉम द ब्रांड लीगल प्राइड और ये बैग आपको मिलेगा अंडर 1100 रुपीज़। बेसिकली दिस हॉल वीडियो इज ऑफ बैग्स अंडर 1100 रुपीज़। सो अंडर 1100 रुपीज़ 1000 समथिंग में मैंने ये बैग बाई किया है जो कि डस्टी पिंक कलर में है और इस बैग को मैंने बहुत टाइम से अपने कार्ट में सेव करके रखा था। सो आज मैंने इसको बाई किया है। एंड बैग की जब सामने की बात करें तो यहाँ आपको कुछ डिटेलिंग्स मिल रही हैं जो कि अगेन बहुत अच्छा इसको लुक दे रही हैं। अगेन बैक के यहाँ सामने जब आप देखेंगे तो आपको एक वीव्ड पैटर्न मिल रहा है, मैं सामने से दिखा रही हूँ। सो द बैग हैज़ गॉट अ वीव्ड काइंड ऑफ पैटर्न एट द फ्रंट साइड एंड फ्रॉम द बैक साइड बैग प्लेन रखा गया है और अगेन हमें अच्छी क्वालिटी की यहाँ अगेन जिप मिल रही है जो कि अगेन गहरी होने वाली है। तो इसमें आप अपनी मर्जी के कोई भी चीज़ रख सकते हैं। फ्रंट साइड में हमें कोई भी जिप नहीं मिलती, नो फ्रंट साइड में हमें कोई भी जिप नहीं मिलती, ना ही ये आप खोल सकते हैं, खोल सकते हैं बट ये बस डिटेलिंग शो के लिए दी हुई है। अगर हम अब इसके कंपार्टमेंट्स की बात करें तो वाओ, आई एम लविंग दिस। यू कैन सी दिस हैज़ गॉट 2 कंपार्टमेंट्स। एक आगे की तरफ आपको ये कंपार्टमेंट मिल रहा है एंड मेन कंपार्टमेंट आपको यहाँ मिल रहा है। तो चलिए आगे वाला कंपार्टमेंट पहले हम खोल लेते हैं। सो ये ट्रू नहीं है जैसा कि मैंने अभी बताया कि बैग के फ्रंट में आपको कंपार्टमेंट नहीं मिल रहा है। यहाँ पर भले ही ना मिल रहा बट बैग के जस्ट ऊपर ही आपको कंपार्टमेंट मिल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा स्टर्डी जिप वाला है। वाओ, लुक एट द स्पेस दिस बैग हैज। अंदर तक इस बैग में स्पेस है जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा है। तो इसमें आप अपनी कोई भी वैल्यूएबल चीज़ भी रख सकते हैं। ज़्यादातर हम बैग के बैक साइड में नहीं बल्कि फ्रंट साइड में या मेन कंपार्टमेंट में यानी कि मिडिल साइड में अपने वैल्यूएबल चीज़ें रखनी पसंद करते हैं। सो इसमें आप कुछ भी वैल्यूएबल चीज़ अपनी रख सकते हैं। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द वेरी स्मूथ क्वालिटी जिप इज गिवन इन दिस बैग। नाउ टॉकिंग अबाउट द मेन कंपार्टमेंट, लेट्स ओपन द मेन कंपार्टमेंट ऑफ दिस बैग। सो जिप की क्वालिटी जैसा कि मैंने बताया बहुत अच्छी है बट ये कंपेयर टू द ग्रीन बैग, वुमन मार्क्स बैग, इसकी जो ये होल्ड करने वाली जो चीज़ है वो थोड़ी सी पतली है वुमन मार्क्स से बट द क्वालिटी इज़ रियली वेरी नाइस एंड स्मूथ। सो अब मेन कंपार्टमेंट में से हम ढेर सारी फिलिंग्स को हटा लेते हैं। ओके, सबसे पहले जब हम मेन कंपार्टमेंट को देखते हैं तो उसमें एक स्लिंग दी हुई है जो कि अगेन एडजस्टेबल है और जो आप साइड में लगा सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं इसके लेंथ को अपने शोल्डर के अनुसार। तो इसको आइए रखते हैं और देखते हैं अंदर के स्पेस को। कैन यू सी दिस, दिस इज गॉर्जियस। आई मीन क्वाइट डीप एंड वाइड स्पेस आपको यहाँ पर मिल रहा है और यही नहीं बहुत सारे स्पेसेस हैं इस पर्टिकुलर बैग में। ये स्पेस आप देख रहे हैं, अंदर आपको ये सीक्रेट पॉकेट अगेन मिल रहा है जो कि जिपर्ड है, जहाँ पर जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ आप अपने वैल्यूएबल्स रख सकते हैं। अगेन मिडिल कंपार्टमेंट, देयर इज़ अ मिडिल कंपार्टमेंट गिवन इन दिस बैग। तो आप मिडिल कंपार्टमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। मैं इसको खोल करके दिखा रही हूँ।
दिस इज द मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ द बैग जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें अपनी रख सकते हैं। ज़्यादातर हम अपने मेकअप के सामान, मैं खासकर अपने मेकअप का सामान मिडिल कंपार्टमेंट में रखती हूँ ताकि सारे सामान मिक्स रखना हो जाए बैग के अंदर। सो आपको यहाँ पर मैंने एक कंपार्टमेंट दिखाया जिसके अंदर सीक्रेट पॉकेट है। अगैन दिस इज द मिडिल कंपार्टमेंट एंड द थर्ड कंपार्टमेंट इज गिवन हियर व्हिच इज अगैन क्वाइट ह्यूज। यहाँ पर फिर से आपको टू पॉकेट्स मिल जाती हैं फॉर प्लेसिंग योर मोबाइल फोन एंड चार्जर और एनीथिंग यू विश टू। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस ह्यूज ह्यूज बैग एंड वेरी स्टर्डी एंड वेरी नाइस बैग फ्रॉम द ब्रांड वुमन मार्क्स। मैं जानती हूँ कि ये बैग आपको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। ये बैग बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। जब हम इन दोनों बैग्स को कंपेयर करें तो दोनों की अपनी ही खूबसूरती, अपनी ही अलग अलग क्वालिटी है। जहाँ पर ये बैग ज़्यादातर बहुत अच्छा लगने वाला है, ऐसे तो सारे ड्रेसेस पे जाने वाला है, बट वेस्टर्न वेयर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। वहीं पर इस बैग को आप वेस्टर्न, इंडियन किसी भी ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हैं और किसी भी ओकेजन पर आप इस बैग को कैरी कर सकते हैं। साथ ही साथ ढेरों सामान आप अपने साथ इस बैग में कैरी कर सकते हैं। जब इसके हैंडल्स की बात करूँ तो ये क्वाइट स्टर्डी हैंडल्स हैं। दोनों बैग्स आर्टिफिशियल लेदर के हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं एंड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और अगर आप इन बैग्स का केयर करें जैसा कि मैंने कहा है तो ये बैग्स आपके साथ बहुत सालों तक चलने वाले हैं। वी नीड टू हैव वाइड वराइटीज ऑफ बैग्स इन आवर वार्डरोब विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द ब्रांडिंग एंड एट अ नाइस कॉस्ट। आई मीन अफोर्डेबल बजट फ्रेंडली बैग्स आपके लिए मैं हमेशा लेकर आती रहूँगी, हमेशा लेकर आई हूँ। सो बने रहिए मेरे चैनल में मेरे साथ और मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूले कि आजियो के लिए प्यारे से हैंड बैग्स कम स्लिंग बैग्स कम शोल्डर बैग्स आपको लगे कैसे। वो बैग्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। अगर आपको अपने लिए इन बैग्स में से कोई भी परचेज करना है या फॉर दैट मैटर अगर दोनों बैग्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो दोनों के दोनों आप अपने लिए बाय कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करके। एंड दैट वॉज ऑल इन प्रियदर्शनी टॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड टू माई चैनल, स्टे tuned into my channel for more review videos, more haul videos, etc. coming up. So that was all. Bye bye. Take care. Love you all. God bless. Keep smiling. Keep shining. And keep shopping for these piece of beauties for yourself. Bye bye.